तो दोस्तों कल इन लोगों ने आपने देखा ना, इसने नहीं, ये तो बेचारा शरीफ है, वो ये बेटी है ना मादी, उसने पूरे का पूरा हमारा ये देखें गमला अच्छा खासा खराब करा है। ये तो आप लोगों ने कल की वीडियो में देख लिया था, तो आज मैंने इनको बंद कर दिया, इसकी सजा ही अंदर ही रहेगी क्योंकि ये पूरे के पूरे गमले खराब कर देगी। और मैं ये समझ रहा था कि ये पत्ते जो हैं ये अपने आप कीड़े लग लग के टूट रहे हैं, वो नहीं, ये जो मादा है ना इसकी तीतर की, ये तोड़ रही है सारे के सारे, तो काफ़ी ख़राबी हो सकती है। खैर दोस्तों मैं इनको वक्त पे बहुत संभाल रहा हूँ, हमारी जितनी गार्डनिंग की हुई है हमने, और आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी खासी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें अच्छी खासी, मुझे काफ़ी तरीका आ गया इनको संभालने का। ये रेड वाला देखें, इसमें भी आ गई हैं। ये जो है ना रात की रानी, इसको थोड़ा सा सेटिंग में लाना है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, और एक ये काफ़ी हल्का पड़ गया है, धूप भी नहीं आ रही है तो धूप भी इनको नहीं दिलवा पा रहे हैं क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम हुआ है, अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है धूप आई है। खैर दोस्तों छत पे लेके चलता हूँ, छत पे हमने मुर्गियों को खोला हुआ है, मैं नीचे आ गया था काम से उन्हें खोल खाल के खाना वाना डाल के, तो देखते हैं वो छत पे हैं या नहीं। मैंने बोला उनको देखें तो कि वो सेट रह रहे हैं या नहीं रह रहे, कैसे रह रहे हैं, तो चलें देखते हैं कि वो कहीं बैठे या उड़े तो नहीं आ जाए। यार मुर्गा तो इधर ही है, मुर्गियाँ कहाँ? दोस्तों मुर्गा तो ये रहा, मुर्गियाँ भी शुक्र है अंदर ही हैं, मैंने बोला मुर्गियाँ गई, कसम से मेरा दिल अजीब हो गया था, मेरा पता नहीं है निकल गई बाहर वगैरह, और छतें छोटी हैं ना हमारी, तो दीवार जो छोटी है ये देखें यहाँ से ये चढ़ के आराम से कूद जाएंगी, लेकिन काफ़ी बड़ा मतलब गहराई है, इतनी आराम से नहीं। तो खैर इनको खोल दिया, मुझे खुशी हो रही है कि बाहर कहीं भी नहीं निकले, यहाँ पे ही रहे, इनको तो नहीं खोलना भाई, ये बहुत तेज़ हैं दोनों के दोनों, यहाँ चढ़ जाते हैं छत पे और बाहर कूद जाते हैं, एक मर्तबा हो चुका है तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, थोड़े से बड़े होना ही है तो मैं इनको बाहर निकाल के तरीके से छोड़ दूँगा। इससे पहले ज़्यादा बारिश हो हम यहाँ पर तरपाल का इंतज़ाम कर रहे हैं, मैंने अपने एक दोस्त को बोला है वो तरपाल लेकर आ जाएगा दोस्तों, अब देखते हैं उसको मिलता ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इधर जहाँ तरपाल मिलता है वहाँ पे मिल नहीं पा रहा, वहाँ है ही नहीं अभी, तो मैंने उसको बोला था यार तुम लाके दो, उसने बोला मैं जाता हूँ साइड एरिया से कहीं से मंगवाऊँगा और आप तक पहुँचवा दूँगा, बाकी आप लोग लगा लेना। मैंने बोला तुम पहुँचवा दो, हम लगा लेंगे जिस तरीके से भी, जैसे तैसे करके यहाँ से लगना है एक तरपाल और इस तरफ यूँ आएगा, तो ताकि और भी आगे जो परिंदे लाएँ उनके लिए भी एक सेटअप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो साथ रहिएगा, चलते हैं और मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद या शायद शाम में जब तरपाल आएगा तभी। ठीक है कुर्बान, किधर गया भाई, आ जा बेटा ऊपर आ जा। भाई दोस्तों हमने जो ये जगह है ना ये पूरी की पूरी ढक दी है, क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं पता किस वक्त पलटा खा जाए, और अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई है, और ये आया कि इसने डायरेक्ट बोला हसन भाई बहुत तेज़ फुहार हो जाए, अभी तो चली है लेकिन अब ये ना हो कि बारिश एकदम तेज़ हो जाए। खैर इसको भी ढक देंगे क्योंकि ये जो है, और एक और छोटी सी बुरी खबर है दोस्तों, हमारा जो ये है ना वाइट वाला वो बीमार पड़ा है, सॉरी यहाँ नहीं है, मैंने खुद उसको यहाँ बंद करा था, ये रहा ये हल्का हल्का बीमार हो गया है, और इसको देख रहे हो आप ये काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ था अभी सुबह से, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया है दूसरे वाले गंजे से, तो ये गंजा मुर्गा जो है देखें इसको नज़ला नज़ला लग रहा है, अब सर्दी में आ गया थोड़ा सा, मुझे डर लग रहा था कि इसको कुछ हो ना जाए, तो इसको अलग कर दिया है और दवाई वगैरह दे दी है, चलें छत पे चलते हैं वहाँ चल के बताता हूँ कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों फुहार शुरू हो गई है माशाल्लाह से, अबर देख रहे हैं आप, मुझे नहीं लग रहा कि आज भी हो पाएगा तरपाल का सेटअप, खुले छोड़े में मैंने आज ये आज खुले रहेंगे और तरीके से रहेंगे यहाँ पर, इनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये दोनों खुले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज मेरा जो वो था कि इनको मैं खोल दूँ और ये सेटिंग से रहें, और देखें मैं आया हूँ तो बाहर आएँ, वरना नहीं आ रहे थे, ये भी बाहर आ गई और वो भी बाहर आ गई, मैं आया हूँ तो बाहर आई है वरना नहीं आ रहे थे ये बाहर। उस्ताद देख रहे हो, ट्रेनिंग देख रहे हो आप तो दोस्तों ट्रेनिंग इनको बहुत अच्छी दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह, इनको एक चीज़ समझ आ गई कि ये आएगा तो हम बाहर आएंगे, ये जाएगा तो हम अंदर चले जाएंगे। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों ये देखें, और मुझे लग रहा है आज नहीं हो पाएगा तरपाल का सेटअप, हम अटक गए छत पे, फिर से स्टेशन भी सही गई है, और मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। भाई मुर्गियाँ कहाँ? वो चली गई हैं मेरे हिसाब से अंदर। अरे एक और कहाँ? एक मुर्गी ये रही, ये कहाँ बैठी है घुस के हैं? चलो तुम यहाँ पे ही रहो, जब रुके तो चली आना आराम से अंदर। यार इनका अच्छा लग रहा है ये साइड है, इनको ढकूं, लग गया दोस्तों, अब कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हम गीले ज़रूर होना शुरू हो गए,
और वेट कर रहे हैं अब कि वो आ जाए, तरपाल लिया है तो हम सारे के सारे बांधने। तो भाई हसन भाई अभी चौथा महीने गए, उसको बारिश में दिखाएंगे कि वो क्या रिएक्ट करता है बारिश के अंदर। अभी आते ही होंगे हसन भाई। कितनी बनू पन सब परवर करने में। ये लो भाई ले आया मैं सर, इसको बड़ी नहाने की पड़ी रहती है दोस्तों, तो मैंने सोचा है कि इसको नहला देते हैं ताकि ये भी खुश हो जाए और हम भी नहा लेते हैं कि लोग हम भी खुश हो जाए। क्यों भाई मिट्ठू? और ये मिट्ठू है, मिट्ठू हमारा, थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी हमारे को, चेक करने है मिट्ठू भाई है। उड़ान नहीं बननी, डर रहे हो भाई? ये डर रहा है बहुत ज़्यादा। खैर फर्स्ट टाइम लाया हूँ बारिश में, ऐसे कभी लाए नहीं हूँ दोस्तों किसी परिंदे को बाहर, तो माशाल्लाह से आज मिट्ठू को नहला दिया। तो तरपाल का तो आज कोई सीन नहीं बनना है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और तरपाल मुश्किल आए। क्यों, क्या कहते हो फुरकान? बिल्कुल सही ना। और अब कोई चढ़ेगा भी नहीं, ना मैं चढ़ूंगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है और पानी पानी हो रहा है हर तरफ, तो इस वजह से नहीं। तो इनको नहला दिया, ये माशाल्लाह आज फुल वे में हमारे गीले। तो दोस्तों इसके लिए इतनी नहलाना काफी है, इतनी बारिश काफी है इसके लिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहलाऊंगा बारिश में ठंड है तो ये बीमार ना हो जाए। तो इसको नीचे ले जाता हूँ पिंजरे में इसके पार्टनर के साथ, वो थोड़ी हल्की है, उसको मैं खुद नहीं लाया था क्योंकि वो बहुत चुलबुली सी है और उड़ती बहुत है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़ते हैं नीचे और देखते हैं कि ये क्या कर रही है, तो आ जाए इसको लेके चलते हैं नीचे। चलो कैसा लग रहा है? तो दोस्तों नहीं आया तरपाल क्योंकि हसन की कॉल आई थी, मैंने उससे बात करी, वो बोल रहा है हसन भाई काफ़ी बारिश तेज़ हो रही है क्योंकि साइड एरिया पे होता है, वो बोल रहा है हसन भाई मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल आपके पास हो जाएगा, तो कल का वेट करना पड़ेगा। खैर ये दूध आपको हाथ में दिख रहा है भाई, बाहर जो पपीज़ हैं छोटे, वो जो कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं काफ़ी भूखे रहते हैं, तो हम रात में लाए थे ये दोस्त वगैरह, तो उन्होंने बोला था यार पिला देना, तो एक डब्बा रह गया था, इसको पिला देते हैं अभी और चलें पिला देते हैं पहले। ये लो अब आप पकड़ो ये कैमरा और हम पिलाते हैं इसको दूध। देखो जानवर का भरोसा नहीं है, आगे आ जाओ कुछ नहीं करेगा। दोस्तों रात में भी इसको इसी में दूध पिलाया था और अभी भी इसी में पिलाएंगे। अंदर करके रखो, अंदर खुद ही पी लेगी आप, है ना? लो भाई डाल दिया दूध, अब इसकी मर्जी है पिए ना पिए, हमारा फर्ज पूरा हो गया। तो दोस्तों पिला दिया है दूध, मैंने जो करना था हमने वो कर दिया, रख दिया दूध, अब नहीं पता वो पीती है नहीं पीती है, मेरे सामने अभी तक तो नहीं पिया, अब थोड़ी देर में देखते हैं अगर पी ले। खैर तो चलें तरपाल इंशाल्लाह कल बांधेंगे दोस्तों, अभी मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। सूखे तुम हैं, सूख गए सेट हो।